हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है। तो धीरे धीरे की इस सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा है। यह लय इस शहर को मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए हैं और चीज़ें प्राचीन काल से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर स्थित है। गंगा के घाटों पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी रहती है जहाँ सदियों से बंधी चली आ रही है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी सदियों से उसी स्थान पर सुसज्जित है। भाव यह है कि धीरे धीरे की सामूहिक लय के कारण शहर बंधा ही नहीं है बल्कि इस कारण से मजबूत हो गया है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से यह शहर अछूत है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी ही वैसी की वैसी है। ठीक है, इसी तरह आगे खुद से यहाँ तक पढ़ लीजिए। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू।